हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज शुरू करने से पहले आप लोग को बता रहे थे कि यार मेरे यूट्यूब के वीडियोस के नोटिफिकेशन जा ही नहीं रहे। मतलब मैं सुबह में 3 दिन से देख रहा हूँ, जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं परेशान हो गया। एक वीडियो को फिर से री अपलोड करके मुझे अपलोड करना पड़ा था, लेकिन अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नोटिफिकेशन ही लोगों को वीडियोस के नहीं जा रहा। अब यूट्यूब में ऐसा बग क्यों है यार, यूट्यूब क्यों उस पर वर्कआउट नहीं करता है, ये बात मुझे नहीं समझ रही। मेरा क्या काफी सारे यूट्यूबर्स के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे, तो ये परेशानी होती, बार बार मुझे कम्युनिटी में फिर डालना पड़ता है और वगैरह वगैरह चीजें करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने मुझे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो किया है, अगर नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मैं यूट्यूब के जो वीडियोस अपलोड करता हूं वहां पे भी मैं आपको अलग से अपलोड वहां पे भी कर देता हूं। तो अगर आपने वहां पे फॉलो किया है तो आपको वहां पे तो नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। तो ये कुछ सीन है, आपको बार बार मेरे चैनल पे आके चेक करना पड़ेगा कि नया वीडियो अपलोड हुआ नहीं हुआ। यही एक ऑल्टरनेटिव तरीका आप यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत अफसोस होता है, हम इतनी मेहनत करके अपलोड करते हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाता, शाम तक यूं बैठे रहते हैं यार, अच्छा इतनी व्यूज है इतनी व्यूज है, ये सीन हो जाता है। तो क्या जो भी ज्यादा मिस नहीं करते और फटाफट से आज की टेक न्यूज जो वो शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो आप लोग यहाँ पे बता रहे थे कि OnePlus 6, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जब तक लॉन्च नहीं होगा ना तब तक इसके लीक्स और रूमर्स में आप लोग को बता बता के ना परेशान कर दूंगा। और क्या है कि जब भी खबरें आती है तो मुझे बताना तो पड़ता ही है, लेकिन अब यहाँ पे OnePlus 6 जो वो टेना सर्टिफिकेशन पे जो वो लीक हो गया है और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन जो वो सामने आ चुकी है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि OnePlus 6 के अंदर आप लोग को 6.28 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलेगी एक नॉच के साथ में, 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और यहाँ पे आप लोग को Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर मिलेगा। ऑब्वियसली ये तो कंपनी ने कंफर्म कर ही दिया था। 16+20 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा होगा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा और 3300 एमएच की बैटरी होगी और लेटेस्ट एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो ये कुछ चीजें यहां पे, अब स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म हो गई, ये डिजाइन तो हो ही गई थी और साथ में प्राइस भी साथ में बताया जा रहा है कि 37000 रुपीस के आसपास इंडिया में बेस वेरिएंट होगा। इतना सब कुछ तो हो गया, बचा क्या फोन का हाथ में आने का, बचा और कुछ नहीं बचा है। तो देख लेते हैं कि 17 मई को ये फोन आता है तब एक्चुअली में ये होता नहीं होता, ये तो 17 मई को ही खुलासा हो जाएगा। तो यहां पे वोडाफोन ने अपना एक नया प्रीपेड प्लान जो अनाउंस कर दिया है, हालांकि ये नया नहीं बल्कि एक 348 वाला प्लान था, उसको उन्होंने रिवैम्प्ड किया है, जहां पे आप लोग को अब जो वो 349 वाला प्लान है जिसके अंदर आप लोग को दिन के अंदर 3GB की डेटा मिलती है, जिसकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको एक महीने की मिलती है, अनलिमिटेड कॉल्स, एसटीडी लोकल्स वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्लान आया है, आपको 349 के रिचार्ज में दिन का अगर 3GB की डेटा मिलती है एक महीना, तो मेरे सबसे काफी बड़ी बात है। और मैं भी वोडाफोन का सिम कार्ड यूज करता हूं तो मैं भी ऐसे रिचार्जेस करके रख देता हूं, इमरजेंसी में कभी कभी जियो खत्म हो जाता है तो मैं ऐसे चीज को यूज कर लेता हूं, अगर आपको नहीं पता है। और साथ में BSNL का भी कुछ 349 वाला प्लान है जहां पे आपको एक दिन के अंदर 1GB की डेटा मिलती है, वो 54 डेज की वैलिडिटी है और वगैरह वगैरह जो बंडल मिलता है साथ में उसमें भी आपको मिलता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला रिचार्ज भी जाके जो वो कर सकते हैं। तो Motorola का Z3 Play Moto Z2 Play का सक्सेसर बन के आने वाला है और काफी टाइम से लीक और रूमर्स इससे रिलेटेड आ रहे थे, कुछ रेंडर्स लीक होकर आ गए थे। अब यहां पे इसकी कुछ लाइव पिक्चर जो वो लीक होकर आ चुकी है और यहां पे आप फोन देखेंगे आपको पूरा सामने की तरफ से पीछे की तरफ से सारी डिटेल्स जो दिखाई दे रही है, एक अच्छी खासी प्रीमियम बॉडी मिल रही है, मोटो मॉड्स कंपैटिबल भी दिखा रहा है, आपको डुअल रियर फेसिंग कैमरा पीछे की तरफ दिखाया जा रहा है, आपको यहां पे एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा और एंड्रॉइड 8.1 इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। लेकिन यहां पे सरप्राइजिंग की बात यह है कि ना पीछे की तरफ और ना सामने की तरफ आपको यहां पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। यहां पे जो रेंडर्स पीछे प्रीवियसली आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि आपको पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो वो कुछ फीचर आएगा। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी के साथ में मोटो Z3 प्ले जो वो आ सकता है। देख लेते हैं कि कितना जल्दी ये फोन लॉन्च होता है और इसमें क्या प्रोसेसर होता है, प्राइसिंग क्या होती है, ये तो जब आएगा आप लोग को जरूर से बता देगी। तो सैमसंग ने यहाँ पे रिसेंटली अपना एक नया पेटेंट जो वो फाइल कर दिया और हम सभी लोगों को पता है कि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है, काफी इनोवेटिव कंपनी जो कुछ ना कुछ नया करते रहती है। अब यहाँ पे सैमसंग ने 2 नए पेटेंट जो वो फाइल करी है और जो पहला वाला पेटेंट है ये कुछ नया नहीं है बल्कि ये भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन वाला पेटेंट है, लेकिन यहाँ पे इस बार आप लोग को एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन मिल सकता है जो कि ट्राई फोल्ड होगा। इसका मतलब ये कि जो प्रीवियसली जो भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के पेटेंट हमें देखे थे आपको यहाँ पे डुअल फोल्डेबल मिलता है, यानी कि आप एक बार फोन को फोल्ड कर दिए वो बन गया फोल्डेबल स्मार्टफोन। लेकिन इस बार आप ये पिक्चर देखेंगे इसके अंदर आपको 3 तरीके से आप अपने फोन को जो वो फोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का पेटेंट यहाँ पे सैमसंग ने फाइल किया है जो शायद से आने वाले समय के अंदर में ऐसा भी एक फोन जो वो देखने को मिलेगा, यानी कि जब ओपन होगा तो काफी लंबा हो जाएगा, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो अलग अलग तरीके से आप इसको जो वो फोल्ड कर सकते हैं और साथ में इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के सेंसर्स भी जो इस बार देखने को मिलेंगे। और सेकंड जो पेटेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग सा है जिसके अंदर आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले जो फोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब ज्यादा इस पर जो लाइट शेड नहीं कर दी गई है कि कौन सा और किस तरीके की इसमें टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले
वाले पेटेंट भी सैमसंग ने यहाँ पे फाइल किया, जो हमें आने वाले समय के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन मिलेगा जिसमें आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी मिलेगा। तो देख लेते हैं कि सैमसंग की ये पेटेंट कितना जल्दी आते हैं। बहुत कंपनी ने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए पेटेंट फाइल की, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। बहुत कम फोन ऐसे जो मार्केट में आए, जैसे कि ZTE-XNM, लेकिन काफी मोटा और चौड़ा सा फोन है। तो देख लेते हैं कि सैमसंग कितना जल्दी अपनी इस आइडिया के साथ में जो वो आता है। तो नोकिया का 7 Plus अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग के लिए गुड न्यूज है, जहां पे आपको आने वाले समय के अंदर एक अपडेट आएगा जिसके अंदर आप यहाँ पे दोनों सिम कार्ड के अंदर 4G LTE का फीचर जो वो यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जब ये लॉन्च हुआ था तो आपको सिर्फ एक सिम कार्ड के अंदर 4G LTE यूज करने मिलता था, अब दोनों सिम कार्ड में आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसके जो हार्डवेयर स्नैपड्रैगन का 660 इसकी कैपेबिलिटी है कि वो आपको इस तरीके की फीचर यूज करने के लिए दे। तो आने वाले समय के अंदर नोकिया 7 Plus में आप लोग को ये वाला अपडेट भी जो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे शाओमी का Redmi S2 फाइनली यहाँ पे जो ऑफिशियल हो चुका है और कंपनी ने यहाँ पे खुद कंफर्म कर दिया और बता दिया कि 10th मई को हमें शाओमी का Redmi S2 जो वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक ऑफिशियल पोस्टर आप देखेंगे वीवो पे, उन्होंने बताया था एक सेलिब्रिटी है उसके हाथ में ये फोन है, जो यहाँ पे बता दे रहे कि शाओमी की एक नई सीरीज होगी S सीरीज वाली, जो कि सेल्फी सेंट्रिक वाली सीरीज होगी, और S2 करके जो पहला फोन आएगा उसका नाम होगा, जो एक बजट फोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन का 625 वाला प्रोसेसर होगा। बस बात यह कि शाओमी काफी कंफ्यूजन कर रहा है, कितने फोन इस प्राइस में लॉन्च कर दिए और कौन सा फोन ले। पहली बात तो फोन तो मिलते नहीं है, तो बात तो ये हो जाती है कि कौन सा फोन ले कौन सा नहीं ले, ये भी हमें जो वो समझ नहीं रहा है। तो ये वाला स्मार्टफोन पहले चाइना में जाएगा और बहुत जल्दी हमें ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में भी जो वो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जियो ने सभी लोगों के लिए एक नई सर्विस लेके आ गया है, जियो इंटरैक्ट वाली, जहां पे आप लोग को लाइव वीडियो कॉल करने मिलेगा, वो भी नन अदर देन अमिताभ बच्चन के साथ में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो वो काम किया जाएगा। और ये कोई लाइव वीडियो कॉल नहीं होगा, बल्कि आप लोग को पता होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो वो जाएगी और वो वहां पे अमिताभ बच्चन खुद के पहले से काफी सारे सवालों के जवाब देके रखेंगे, वही आपके सामने एक वीडियो के द्वारा जो वो दिखाया जाएगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने एक लाइव जो वो वीडियो कॉल किया, जो इंटरेस्ट लगेगा आपको कि हाँ मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूं। तो ये कुछ जियो इंटरैक्ट इस तरीके की चीजें ला रहा है। वो अमिताभ बच्चन उनकी जो एक पिक्चर आई है 102 नॉट आउट, ये शायद उसके ऊपर जो वो कुछ जो वो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप माई जियो में जाके ये वाली सर्विस जो वो यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको यहाँ पे एप्पल की वॉच सीरीज 3 GPS प्लस सेलुलर वेरियंट अगर आपको परचेस करना है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे अब आप इसको आज से जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे और एयरटेल की वेबसाइट्स पे जाके प्री बुकिंग कर सकते हैं, और वहां से फिर 11 मई तक आपको ये जो वो मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग लगभग से 30-35 हज़ार रुपये के आसपास होगी, अभी तक प्राइस सामने नहीं आई है, लेकिन प्री बुकिंग शुरू हो चुका है, तो आप जाके कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। 4 मई आज हो चुका है, या आपकी मर्जी है, आप जाके जो वो करना है तो उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट ड्रोन ने इंडिया के अंदर अपना एक नया टैबलेट प्लस लैपटॉप जो वो लॉन्च किया है, ये एक हाइब्रिड है, इसका मतलब आप इसके अंदर टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हैं टच स्क्रीन में, और डिटैचेबल कीबोर्ड की तरह कीबोर्ड लगा के लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये है स्मार्ट ड्रोन का टी बुक फ्लैक्स, जिसके अंदर 2 वेरियंट मिलते हैं, एक 43,000 का है और एक 53 वाला। 43,000 वाला आपको उसके अंदर जो इंटेल का M3 वाला प्रोसेसर मिलता है, और जो 53 वाला है वो कोर i5 वाला मिलता है। 4GB की रैम है, आपको 128GB की SSD स्टोरेज है, अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है, और 12.2 इंच की आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। प्राइस बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे शायद से लगता है कि मुझे भी अनबॉक्सिंग के लिए आ सकता है, तो आएगा तो मैं आपको अपनी फेयर ओपिनियन दूंगा, लेकिन इस प्राइस में अगर आप थोड़ा सा 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा डालेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स में मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे स्मार्टफोन ने भी इंडिया में जो वो लॉन्च करी है। तो सोनी ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने 3 नए टीवी जो वो लॉन्च कर दिए, जहाँ पे आप लोग को 3 अलग अलग वेरियंट ऑब्वियसली मिलते हैं, एक 55 इंच का है, दूसरा 65 इंच और तीसरा 85, वो तो थिएटर ही होगा समझ लो। तो जो 55 इंच है इसकी प्राइसिंग सामने आई है, 65 और 85 की नहीं आई है। 55 इंच वाला जो है ना, वही ऐसा लगेगा आपको सुन के कि आप आगे की तरफ देखेगी भी नहीं। 2,40,000 रुपये का आपको 55 इंच वाला टीवी मिलता है, जहाँ पे इसके अंदर आप लोग को 4K HDR वाला टेक्नोलॉजी है, डॉल्बी विजन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह है, सोनी की ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले है। प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि सोनी की ब्रांडिंग और सोनी के डिस्प्ले अच्छे होते हैं और सोनी का टीवी है, तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें, हालांकि मैं अभी खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइनली फेसबुक ने भी इंस्टाग्राम के अंदर अपना एक पेमेंट फीचर जो वो सीक्रेट है जो वो ऐड कर दिया, और फिलहाल के लिए यहाँ पे इसके लिए कोई अनाउंसमेंट उन्होंने जो वो नहीं किए। यहाँ पे कुछ लोगों को US में और UK में इंस्टाग्राम के लिए जो वो पेमेंट का ऑप्शन मिल चुका है, जहां पे वो, हालांकि इसमें ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो यहाँ पे दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं वगैरह वगैरह, रिचार्ज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ पे अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप कुछ सर्फिंग वगैरह करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह की बुकिंग करना है या कुछ और शॉपिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम
टेलीग्राम के जरिए ही पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये फीचर यहाँ पे फिलहाल के लिए सीक्रेटली आ चुका है, यूएस और यूके में कुछ लोगों को मिला है और आने वाले समय के अंदर शायद से इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम में भी अब से आपको शायद से एक पेमेंट वाला फीचर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फाइनली फ्लिपकार्ट ने जो वो डील को एक्सेप्ट कर दिया और यहाँ पे वो अपने 75% जो वो स्टेक है वो वॉलमार्ट को जो वो सोल्ड करने वाला है, जहां पे लगभग से $15 बिलियन में इनकी डील हुई है जो 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास आ जाता है। तो जी हाँ, ये फाइनली डील हो चुकी है और फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे एग्री कर दिया और वो अपने स्टेक को जो वो सोल्ड करेगा वॉलमार्ट को। और फिर आने वाले समय के अंदर में नहीं पता कि वॉलमार्ट यहाँ पे क्या करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ इस तरीके की डील हो चुकी है और फाइनली फ्लिपकार्ट ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है और ये कुछ चीजें यहाँ पे जो सामने आ चुकी है। तो फाइनल डिक्लेरेशन, तो फाइनल डिक्लेरेशन आप लोग यहाँ पे बता रहे थे कि GoPro ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना एक नया एक्शन कैमरा जो वो लॉन्च कर दिया है, वो है GoPro Fusion, जिसकी प्राइस की बात करें तो 60,000 रुपए। अभी आपको यहाँ पे न्यूज को स्किप करना तो आप कर सकते हैं। 60,000 रुपए की इसकी जो प्राइस रखी गई है, जहां पे इसके अंदर आपको 360 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग, 360 डिग्री ऑडियो रिकॉर्डिंग, 18 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, 2 सीमोस सेंसर्स वाला, आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और मोबाइल के अंदर भी आप इसको शेयर करके वगैरह वगैरह की चीजें एडिट करके वगैरह चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है इस तरीके का कैमरा, वाटर रेजिस्टेंट वगैरह वगैरह मिलता है, 60,000 रुपए अगर आपको खर्चा करना है तो आप ये वाला कैमरा भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।